खाम पंचायत की एक बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने ये प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोकाट हैं, बजरंग पूनिया हैं, या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराया जाए, और इस आंदोलन के पीछे खड़यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए, और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए, और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस खड़यंत्र के पीछे कौन है, और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। खाप पंचायत ने मांग की है कि नार्को टेस्ट की जाए, लेकिन ये सब तो जुडिशियरी मामला है, कानूनी तरीका है। जुडिशियरी को मान कहा रहा है, वो कहाँ मान रहा है जुडिशियरी को। जैसे आज 4 महीना हो गया, मैंने शुरुआत में पूछा था कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन कॉल की डिटेल हो, कोई फोटो हो, तो एक कहानी लेकर के ये लोग लगातार चल रहे हैं। अब रहा सवाल जुडिशली का, तो जुडिशली में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली के, उन्होंने पहले कह दिया भारत सरकार के कि हमें FIR लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब FIR लिख गई, जांच हो रही है, उसके पहले इनकी डिमांड बढ़ गई, और बाकी बातों में ये सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठा रहे हैं। मैंने आज के लगभग 20 दिन पहले कहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच का आदेश हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए इनकी बातें मैंने सुनी, और उसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाना इन्होंने शुरू किया, तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी है, अच्छा हो कि आप जाकर के कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, CBI करा लीजिए, या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले, बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है, तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी है, अच्छा हो कि आप जाकर के कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, CBI करा लीजिए, या देश की कोई अन्य एजेंसी हो इस जांच को करा ले, बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अच्छा होता कि जिस दिन इनकी FIR लिखी गई थी उसी दिन ये घर चले जाते और पुलिस की जांच की का इंतजार करते। इसी प्रकार से IO की जांच का इंतजार नहीं किया, इसी प्रकार से आप देखिए कि खेल मंत्रालय की जांच का इंतजार नहीं किया, और अब इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं, और उस पक्ष से ये 7 हैं 8 हैं 9 हैं 10 हैं जो हैं, तो सबकी जांच करा ली जाए, ये मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना।